न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। बिहार के अपने सभी पुलिस अधिकारियों, अपने सिपाहियों, अपने हवलदार, अपने दरोगा, अपने थानेदार, अपने इंस्पेक्टर, अपने डीएसपी, अपने एसपी, सभी स्तर के सभी पुलिस कर्मियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के डीजीपी यानी कि गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों काफी अलर्ट हैं और तमाम जो कह सकते हैं कि बिहार पुलिस के जवान हैं उनमें ऊर्जा भरने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको सतर्क रहने की हमेशा हिदायत देते हैं और खुद कभी कभी सड़कों पर उतर जाते हैं देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए, और उनको कह सकते हैं कि फुर्तीला रखने के लिए कुछ ना कुछ नए नए टिप्स देते रहते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को किया है सलाम, कहा संकट की इस घड़ी में बिहार पुलिस रच रही है इतिहास। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों, जवानों और कर्मचारियों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संकट से आज पूरी दुनिया में ताहिमाम मचा है, हमारे देश और राज्य में भी इससे अछूता नहीं है। लगभग पूरे भारत में कोरोना वायरस जो है वो अपना पांव तेजी से पसार रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जहां लोग इस महामारी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर हैं, वहीं हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और जवान हमारे दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। बिहार के अपने सभी पुलिस अधिकारियों, अपने सिपाहियों, अपने हवलदार, अपने दरोगा, अपने थानेदार, अपने इंस्पेक्टर, अपने डीएसपी, अपने एसपी, सभी स्तर के सभी पुलिस कर्मियों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और मैं उनका कायल हूं। उन्होंने एक इतिहास बनाया है और आज भी बना रहे हैं कि पूरे बिहार में अपनी जान हथेली पर रख करके 12 करोड़ बिहारवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। आप पर मुझे फख्र है, आपने बिहार पुलिस का नाम रोशन किया है, अपने बिहार सरकार का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया हमको देख रही है किस तरह से हमारे अधिकारी, किस तरह से हमारे सिपाही दिन भर जनता की सेवा में और रात को शाम होने के बाद लोगों के लिए सर्विस सेवा का काम कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवाई पहुंचा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, बूढ़े को, रोगियों को उनकी सूद ले रहे हैं, उनको अस्पताल पहुंचा रहे हैं, उनके लिए दवाइयां मंगवा करके दे रहे हैं, जिनको खाना नहीं उनको खाना पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम, इतिहास बन रहा है, बिहार पुलिस की इमेज सकारात्मक हो रही है। जिस बिहार पुलिस को केवल लोग गालियां देते थे, आज उस बिहार पुलिस के नाम से लोग कसमें खा रहे हैं, उसको देवदूत समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। 1-2% अपवाद लोगों को छोड़ दीजिए। तो मैं अपने सारे पुलिसकर्मियों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कोरोना का संकट दूर होगा, हम कोरोना वीर सम्मान करेंगे। हमारे जिन सिपाहियों ने, हवलदारों ने, हर पंक्ति के जिस पदाधिकारी ने कोरोना में गुड समरिटन का काम किया है, जनता की सेवा का काम किया है, अपने सेवा से जनता का दिल जीता है, उनका सम्मान समारोह करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको सलाम करेंगे। और आपके हाथ में बिहार की तकदीर है, बिहार का भविष्य है, बिहार को बचाना है, इसलिए लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराइए। किसी निर्दोष आदमी को नहीं पीटना है, पास लेकर जाने वाले को नहीं छेड़ना है, और कोई सोशल ये आपातकालीन सेवा का कर्मचारी है, कोई एसेंशियल सर्विस का कर्मचारी है, सब आपको पता है कि किनको नहीं छेड़ना है और किनको नहीं छोड़ना है। जो बदमाशी करें, आवारागर्दी करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए रोड पर घूमे, उनके साथ क्या सलूक करना है ये भी आपको मालूम है। तो मैं आपको केवल सलाम करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तमाम सिपाही से लेकर के ऊंचे अधिकारी तक, जो भी हमारी टीम के लोग इसमें लगे हैं बिहार पुलिस के, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम है।